नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ग्वालियर में दो दिन पहले कैंसर पहाड़ी पर नर्सिंग छात्रा पर कट्टा अड़ाकर मोबाइल लूटने वाले दोनों बदमाशों को उसी स्पॉट से हिरासत में लिया गया है जहां से दोनों ने वारदात को अंजाम दिया था। दोनों फिर किसी वारदात के लिए वहां खड़े हुए थे। हुलिया पहचानने के बाद राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने दोनों की घेराबंदी कर पकड़ लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने छात्रा से लूट की वारदात को भी कबूल कर लिया है। नर्सिंग की छात्रा कृष्णा परिहार कैंसर पहाड़िया से मारने की माता तरफ आ रही थी, तो मौनी बाबा के पास में शिवा वाल्मीक और अपना करण ये कट्टा दिखा के मोबाइल छीन के भाग गए थे। उसके बाद वो मोबाइल श्याम को बेच दी थी, श्याम कुशवाहा। श्याम कुशवाहा दूसरे आदमी को बेचने के चक्कर में था जब तक पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैं पूछताछ करने को बताया मुझे ये मोबाइल शिवा वाल्मीकि ने दिया। शिवा वाल्मीकि को पकड़ने के बाद शिवा ने बताया कि ये जो कट्टा था वो निष्कर्ष कदम करण ने मुझे दिया था। इस प्रकार से ये तीनों आरोपी पकड़ में आए। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।